I'm Atika and I stay in Udit Nagar, Ajmer Road. We had installed this unit in March 2018. उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा इस यूनिट को करने से पहले मेरा प्रॉब्लम जो था, जो क्यों हम लोगों ने ये करा और क्या क्यों आइडिया आया, वो इसलिए आया कि बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम थी मुझे, बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम रहती थी, जिसके कारण मुझे बहुत डॉक्टर्स के आए दिन जाना पड़ता था। यहाँ तक कि मेरी बायोप्सी वगैरह और कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी सब कुछ हो चुका था, लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं चलता था। बस उन्होंने यही बोला था कि आपका डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, यू हैव प्रॉब्लम इन योर इंटेस्टाइन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और अच्छी वेजिटेबल्स खाएँ, जिससे आपका डाइजेशन सही होगा। तो हम लोगों को पता चला लिविंग ग्रीन्स के बारे में, और मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड है जिन्होंने पूरा इंस्टॉल किया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा ये वेजिटेबल्स देते हैं और बहुत अच्छे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अगर आपको चाहिए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा एडल्ट्रेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, सारे पेस्टिसाइड वगैरह, तो उनसे आपका जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो जब हमने ये इनिशियली जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, तो वी वर नॉट वेरी मच श्योर कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या हमें इसका क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने एक बार तो इनिशियली सोचा कि ठीक है 3 यूनिट हम लोग इंस्टॉल करते हैं, पर धीरे धीरे हम लोगों ने मतलब सब चीज़ें आने लगी, और जब हमने इसको खाना शुरू किया तो हमने खुद को अपने डाइजेशन में इतना फ़र्क देखा। टच हुआ, मैं जो आए दिन डॉक्टर्स के हर मंथ जाती थी, वो अब मुझे लगता है कि बहुत 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 कंट्रोल हो चुका है। लौकी जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक, देखिए आप बिल्कुल ऑर्गेनिक लौकी मिलती है, उनको देख कर भी इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब आप आते हैं मॉर्निंग में और एकदम ग्रीन भी देखते हैं, तो यू फील सो गुड एंड सो रिफ्रेशिंग। और मेरी डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है बहुत बहुत हद तक मेरी कंट्रोल हो चुकी है। बच्चे जो हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स, जैसे मेरे सन जो है ही इज़ वेरी चूजी एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट सम वेजिटेबल्स, बट नाउ ही हैज़ स्टार्टेड ईटिंग लौकी एंड तोरई एंड बैंगन ऑल्सो। तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हमने लगा रखी हैं, जैसे खीरा है, ये बैंगन है, और इनमें सब में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही आती हैं, जिनको खा के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए तोरई जैसे आप देख सकते हैं, और भिंडी है तो भिंडी भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो मुझे लगता है कि लिविंग ग्रीन्स ने ये जो स्टार्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और हर किसी को, क्योंकि आज के जो टाइम है उसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स कंट्रोल होता है, तो आज के टाइम में ये एक्चुअली इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हम लोगों को ये इंस्टॉल करना है। थैंक यू सो मच।